आज के वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। एक ऐसा योग, एक ऐसी स्थिति जो आपके साथ यदि बन जाती है ना, तो शादी के बाद आपकी किस्मत जरूर चमकती है। लड़का हो या लड़की, कुंडली में एक ऐसा योग, एक ऐसी स्थिति जिसे मैं बहुत आसान भाषा में आज समझाने वाला हूं, यदि ये स्थिति आपके साथ बन जाती है तो यकीन मानिए शादी के बाद आपकी किस्मत जबरदस्त तरीके से जरूर चमकती है। आप हर प्रकार की सुख सुविधा से परिपूर्ण जीवन तो भोग कर ही पाएंगे, साथ ही आप जिस क्षेत्र में होंगे, जिस फील्ड में होंगे, वहां पर आपको सफलता जबरदस्त तरीके से जरूर मिलती है। एक ऐसा योग जो शादी होने के तुरंत बाद आपकी किस्मत चमका देता है, इसे कैसे देखते हैं मैं बहुत आसान भाषा में आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। YouTube चैनल ज्योतिष गुरुजी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम है, मैरिज में लगातार डिले हो रहा है, जल्दी शादी होने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो आप ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। मैंने 101% सटीक कैलकुलेशन के साथ वहां पर वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। आप जरूर जाकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देखिए। और अभी आते हैं हम विषय पर, शादी होने के बाद किस्मत चमकने वाला योग आखिरकार कुंडली में कैसे देखते हैं। तो इसे जानने के लिए आप उदाहरण के तौर पर एक कुंडली हम ले लेते हैं। आप साइड में एक कुंडली देख रहे हैं, आप इस कुंडली को देखिए और आप अपनी कुंडली निकाल करके रख लीजिए। उदाहरण के तौर पर मैं ये कुंडली लेता हूं, कुछ इसी तरीके का नक्शा आपकी कुंडली का बना हुआ होगा। फर्क इतना हुआ कि इस कुंडली में जहां 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे हुए, आपकी कुंडली के इन खानों में किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। अब इसे समझना कैसा है कि शादी होने के बाद किस्मत चमकती कैसे है, इस योग को कैसे देखेंगे, इसे देखने के लिए इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ है ना, आप उसे देखिए। इस खाने में 1 से 12 तक आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। 1 लिखा हुआ है तो उसका स्वामी मंगल, 2 में शुक्र, 3 में बुध, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 6 में बुध, 7 में शुक्र, 8 में मंगल, 9 में गुरु, 10 में शनि, 11 में शनि और 12 में गुरु। ऐसे अंकों के आधार पर इस भाव का स्वामी पता कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा, इस भाव का स्वामी इस कुंडली में जहां पर 9 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने में बैठ जाता है। यहां पर अंक आपके कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन इस खाने में बैठ गया तो शादी होने के बाद आपकी किस्मत जरूर चमकती है, आप बुलंदियों को जरूर छूते हैं। ये योग बनता ही ऐसे है कि शादी होने के बाद भाग्योदय सुनिश्चित रूप से होता है। दूसरी कंडीशन, जैसे मैंने अभी अंकों के आधार पर इस भाव के स्वामी के बारे में आपको जानकारी दी, अब इस भाव का स्वामी जहां इस कुंडली में 9 लिखा हुआ है वहां का तो मैंने बता दिया, लेकिन 10 और 11 लिखा हुआ है यहां पर भी बैठ गया तो यकीन मानिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, आर्थिक स्तर से आप बहुत सक्षम हो जाएंगे और लगातार जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगता है व्यक्ति। ये बहुत ही बाउंड कंडीशन होती है जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों में रिसर्च करके देखा है, चेक करके देखा है। प्रिय दर्शकों, आप जरूर इस कंडीशन को अपनी कुंडली में देखिए कि ये बन रही है या नहीं बन रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन आपकी कुंडली में नहीं बन रही है तो आपकी शादी के बाद लाइफ खराब रहेगी, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, नियम है जिसके माध्यम से जाना जाता है। ये ओनली एक ऐसा सूत्र है जो मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में इसको लागू करके देखा और मैंने वास्तव में पाया है कि यह कंडीशन अकाट्य होती है। यदि इस भाव का स्वामी इस कुंडली में जहां 9 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, इन भावों में बैठ जाता है, ध्यान रहे इन खानों को देखना है, इनमें अंक आपके कुछ भी लिखे हुए हो सकते हैं, तो यह कंडीशन मैरिज के बाद आपकी किस्मत जरूर चमकाता है, यानी शादी होने के बाद किस्मत को चमकाने वाला योग ऐसे देखा जाता है। यदि ये चीज, ये जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना और लगातार आप मेरे वीडियोज देखा करें, आपको ना आप स्वयं बहुत अच्छे देवज्ञ बन जाएंगे, ज्योतिषी बन जाएंगे और आप दूसरे लोगों की कुंडलियां देख सकते हैं।
और बहुत जल्दी आप धन यश एवं प्रसिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च का विषय, एक मंथन का विषय लगातार। तो आप वीडियोज देखते रहे, एक एक सूत्र में किसी ना किसी वीडियोज के माध्यम से लगातार आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। तो ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, और ये जानकारी कैसी आपको लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप मेरे को बताएं। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल। और आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है, ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल।